Good morning, dear friends, and praise the Lord for this wonderful new day. सुप्रभात मेरे मित्रों और आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें इस नए दिन के लिए. And let us give our attention to hearing the voice of God. और आइए हम अपने ध्यान को उस ओर लगाएं कि हम परमेश्वर की वाणी को सुनने पाएं. Philippians chapter 3 verses 13 and 14 says. और फिलिपियों की पत्री तीसरा अध्याय 13वां और 14वां वचन इस प्रकार कहता है. It says here, brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह कि एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है. This is having a goal in life. We are in a race. और ये है जीवन में एक लक्ष्य रखना, क्योंकि हम सब एक दौड़ में हैं. These athletes who participate in race, short races and long races and then marathon races. और ये सब खेल कूद वर्जिश करने वाले लोग जो छोटी दौड़ों में, मध्य स्तर की दौड़ों में या लंबी दौड़ों में हिस्सा लेते हैं. They have a goal to reach. उनके पास एक लक्ष्य है जिसकी ओर उन्हें बढ़ना है. What is their goal? और उनका लक्ष्य क्या है? Their goal is the finish line. And their effort is to finish their first. और उनका लक्ष्य है वो अंतिम रेखा, और उस अंतिम रेखा को किस प्रकार से वो सबसे जल्दी ग्रहण कर सकते हैं. Apostle Paul compared his life on our lives to a race. और इसलिए पौलुस प्रेरित ने हमारे जीवन को इस पृथ्वी पर एक दौड़ से मिलाया. Especially a marathon race. और खास रीति से एक दौड़, एक लंबी दौड़ के रूप में. Life is a race with a goal. और याद रखिए, जीवन भी एक दौड़ है एक लक्ष्य के साथ. And what is that goal? और वो लक्ष्य क्या है? What are you living for? और आप किसके लिए जीते हैं? Yes, we all have certain goals in this temporary life. और इस जीवन में हम सब के पास एक इस अस्थाई जीवन में एक लक्ष्य है. And so we try to achieve that goal, that reach that goal. और हम सब उस लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं. If you want to be a politician, और अगर हम एक राजनेता बनना चाहते हैं, then you keep looking at the political life and then you try to reach there. और तब आप उस राजनेता के जीवन की ओर देखते हैं और स्तर की ओर बढ़ना चाहते हैं. Some of you want to be businessmen. और यह हो सकता है आप में से कुछ व्यवसायिक बनना चाहते हैं. Some of you may want to be a professor. और यह हो सकता है आप में से कोई बड़े विद्यालयों, महाविश्वविद्यालयों में शिक्षक बनना चाहते हैं, डॉक्टर, या एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, और IAS officer, या आप एक उच्च स्तर के IAS प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं. We all have goals in life. हम सब के पास जीवन में एक लक्ष्य है. And life without a goal will end up in chaos and in utter failure. और याद रखिए, एक ऐसा जीवन जिसमें लक्ष्य नहीं, उसका अंत बड़ा खराब होगा. So what is the final goal of your life? और इसलिए आपके जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? Apostle Paul had a definite goal. और पौलुस प्रेरित के पास एक लक्ष्य था. And as he was reaching to the end of his race. और जैसे कि वो अपने उस दौड़ के अंत में पहुंचता था. The goal was very clear. वो लक्ष्य बड़ा स्पष्ट दिखता था. The finish line was Jesus Christ himself. क्योंकि वो अंतिम पड़ाव की रेखा खुद प्रभु यीशु मसीह है. And in 2 Timothy chapter 4 verse 8, that's what we read. और दूसरा तिमोथियों चौथा अध्याय 8वें वचन में इसी बात को हम पढ़ते हैं. Now Paul here talks about, in this passage, is talking about a goal set for him by God. और पौलुस प्रेरित भी यहाँ पर बात करता है एक लक्ष्य के विषय में जो परमेश्वर ने खुद उसके लिए तय किया है. Now this is a
very important aspect of our race that we need to understand. और एक हमारे जीवन का ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो हम सबको समझना है. Our goal is set by none other than the Lord Jesus Christ Himself. और हमारा लक्ष्य खुद परमेश्वर ने रखा है. And that goal set for Him was a good God, a good goal. That only a good God can set for you and me. और ये एक लक्ष्य उस भले परमेश्वर ने रखा है और एक ऐसा लक्ष्य जो सिर्फ यही भला परमेश्वर रख सकता है. And his part was that he must do to what he must do to reach that goal. और उसका भाग ये है कि उसको लक्ष्य को पाने के लिए उसे क्या करना है. What was the goal? और वो लक्ष्य क्या है? The goal was to participate in the physical resurrection of Christ and to be like him. और वो लक्ष्य था कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में वो सहभागी बन जाए और किसी रीति से उसी के समान हो जाए. This was the goal. और यही उसका एक लक्ष्य था. Philippians chapter 3 verse 11. फिलिपियों की पत्री तीसरा अध्याय 11वां वचन. There he says that by any means possible I may attain the resurrection from the dead. कि किसी रीति से मैं उस पुनरुत्थान के संग सहभागिता करना चाहता हूं. And then again Romans chapter 8 verse 29. और रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय 29वां वचन. To be like Jesus. कि प्रभु यीशु के समान बन जाऊं. In verse 13, और 13वें वचन में Paul says what he must do to reach the goal. पौलुस कहता है कि उसे क्या करना है कि वो उस लक्ष्य की ओर बढ़ जाए. He admits that he had not yet attained anything in perfection. और वो इस बात को मानता है कि अभी तक उसने सिद्धता में इन बातों को ग्रहण नहीं किया है. Nor has he arrived at the goal God set for him. और ना ही वो उस लक्ष्य की ओर अभी पहुंचा है जो परमेश्वर ने उसके लिए निर्धारित किया है. But he did something constantly. लेकिन उसने निरंतर एक बात को किया. What he did constantly was to stretch forward toward that goal. कि वो उस लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता चला गया. It had to be a continuous ongoing process. और इस एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया के रूप में है. In order to keep pressing forward, ताकि वो निरंतर आगे बढ़ता हुआ चला जाए. He had to forget what was behind him. और क्योंकि वो इसलिए कि आगे बढ़ता चला जाए, उन सारी बातों को उसे भूलना पड़ा जो पीछे उसे रख सकती. Now, forgetting does not mean obliterating something out of the mind. और भूलने का मतलब ये नहीं है कि मनोविज्ञान से या दिमाग से उन बातों या यादों को भुला देना. But it refers to the constant necessity of pushing something out of the mind. लेकिन ये इस बात को दर्शाता है कि कैसे हमें निरंतर बातों के पीछे धक्का देकर उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ना है. It speaks of a continuous process rather than a momentary occurrence. और ये बात करता है निरंतर रूप से चलने वाली प्रक्रिया के विषय में, ना एक समय में होने वाली किसी प्रक्रिया. It is the language of a runner. और ये भाषा शैली है एक धावक की या एक दौड़ने वाले की. Completely forgetting his opponents who are following him. और ताकि वो अपने उन साथी धावकों को भूल जाए जो उसके पीछे दौड़ रहे हैं. Even the slightest looking back will slow down his progress. और यहाँ तक कि थोड़ा सा भी पीछे मुड़ के देखना उसके आगे बढ़ने को कम कर देगा. And verse 14, which we have read, contains. और जो 14वां वचन हमने पढ़ा. A statement about the goal and the price God placed before him. और वो लक्ष्य और पुरस्कार जो परमेश्वर ने उसके सामने रखा है. To Paul. और पौलुस के लिए. Christ was both the price and the goal. और याद रखिए जो मसीह यीशु ही उसका लक्ष्य और मसीह यीशु ही उसका पुरस्कार था. And reach his goal, the price was waiting there. और अपने लक्ष्य के पहुंचने का मतलब ये था कि वो पुरस्कार वहां उसका इंतजार कर रहा है. It is one of the marvelous revelation only found
in the holy scriptures. और एक ये अद्भुत प्रकाशन है जिसे हम इस पवित्र वचन या शास्त्र में देखते हैं. In a human context, और एक मानवीय संदर्भ में, the goal and the price could never be the same. लक्ष्य और पुरस्कार कभी भी एक समान नहीं हो सकता. But the glorified life in heaven is both the goal and the price. लेकिन याद रखिए, वो महिमामय जीवन जो हम स्वर्ग में पाएंगे, वो दोनों हमारा लक्ष्य साथ ही साथ हमारा पुरस्कार भी है. The maturing of Christians, और एक मसीह का सिहाना होना, does not take place automatically. ये अपने आप नहीं होता. It is a process in which the believer has a part and God also has a part. ये एक प्रक्रिया है जिसमें विश्वासी का एक भाग है और साथ ही साथ परमेश्वर का भी एक भाग है. The same letter, Philippians chapter 2 verses 12 and 13. फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय और 12वां और 13वां वचन. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling. For it is God who works in you both to will and to work for his good pleasure. इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अभी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष कर करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी इच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के कार्य करने का प्रभाव डाला. And the price. और याद रखिए, परमेश्वर दोनों हैं, हमारा लक्ष्य और हमारा पुरस्कार. What a marvelous truth. और कितना अद्भुत सच्चाई ये है. Only in Christ and in Christianity you will find this. और सिर्फ मसीहत, प्रभु यीशु में और इस मसीहत में ही आप इस बात को पाएंगे. And Apostle Paul was so certain of arriving there. और पौलुस प्रेरित इस बात को लेकर इतना निर्धारित था. He was willing to forget the past and go forward, pressing on, press against all the odds and all the problems, all the powers that are trying to stop him or slow him down. और इसलिए वो हर एक उस सामर्थ को, हर उस अधिकार को जो उसे रोकने की या रुकावट लाने की कोशिश कर, सबको ठुकराता और धकेलता हुआ आगे बढ़ता चला गया. He would not allow anything or anyone to stop him. और उसने किसी भी बात को उसे रोकने की या आगे बढ़ने से रोकने में उसको वो आज्ञा नहीं दी. Pressing on. और वो चलता चला गया. And in the author of the book of Hebrews says. और इब्रानियों की पत्री का जो लेखक है वो ये कहता है. Looking unto Jesus, that's our goal. और यीशु की ओर देखते हुए जो हमारा लक्ष्य है. Press on. And run the race. और उस ओर आप बढ़ते रहें और उस दौड़ को पूरा करें. Hallelujah. Hallelujah. And the Holy Spirit is always there. क्योंकि वो पवित्र आत्मा हमेशा वहाँ है. To empower you. ताकि आपको सशक्त बनाए. Lord God Almighty. हमारे स्वर्ग के पिता परमेश्वर. We thank you for this word. हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए. Bless people by this word today. और इस वचन के द्वारा अपने लोगों को तू आशीषित कर. That they shall fix their eyes on the goal. ताकि वो अपनी आँखों को तेरे लक्ष्य की ओर लगाएं. And never miss the mark. और कभी भी उस लक्ष्य से चूके ना. Thank you. धन्यवाद. Jesus' name. यीशु के नाम. Amen. Amen. This is a great day, my friends. Enjoy living for Christ. और ये एक महान दिन है मेरे मित्रों, और परमेश्वर के जीने के लिए आप इसका आनंद उठाएं. प्रसन्न और लगातार आगे बढ़ते रहिए. आमेन. आमेन.